नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया गया औपचारिक स्वागत। शेख हसीना ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक। निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन, कोर्ट में होगी पेशी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा करने वालों के पास बंदूक रखने पर प्रतिबंध रखा बरकरार। उधर दक्षिण आर्कसन्स के सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी में 3 की मौत, 10 जख्मी। और खेल की खबरों में, टी20 विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। वहीं एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज ने अमेरिका को दी 9 विकेट से करारी शिकस्त। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उसके साथ ही बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शेख हसीना ने विजिटर्स बुक पर अपने विचार भी साझा किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर केंद्रित होगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ये सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ साथ रक्षा और समुद्री मामलों तक फैला है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं भारत बांग्लादेश के बीच तो 10 वर्षों में मजबूत संबंध रहे हैं, उस पर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो भारत बांग्लादेश संबंध वर्ष 2014 की अगर बात करें तो विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौता था, अहम समझौता रहा है वर्ष 2015 की जब हम बात करते हैं। और बांग्लादेश के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण की सहायता लंबी फहरिस्त है। जब हम भारत बांग्लादेश के संबंधों के प्रगाढ़ता का जिक्र करते हैं, 2017 में बांग्लादेश के लिए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता मुहैया कराई गई। 2019 की अगर बात करें तो बांग्लादेश से त्रिपुरा तक LPG आपूर्ति जो परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया था। वहीं सबसे अहम कोरोना काल में बांग्लादेश को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति भारत ने की थी। और 2022 में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज जो डीजल इंजन है वो सौंपे गए थे। साथ ही भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया गया। इस लिहाज से दोनों देशों के जो संबंध हैं, कई ऐसे अहम समझौते हैं जिस पर भारत अहम साझेदार साबित हुआ है बांग्लादेश के लिए, और कई ऐसे MOUs हैं जिन पर आज भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिस पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। वहीं अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। बात करते हैं पेपर लीक की, जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है और इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी और
लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और NTA की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से वसूलने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान भी नहीं है। DSP या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून के तहत जांच नहीं कर सकता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वस्तु और सेवा कर यानी GST परिषद की 53वीं बैठक होगी। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है और इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले GST परिषद की जो 52वीं बैठक थी वो पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी और GST परिषद समय समय पर GST व्यवस्था से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श के लिए बैठक करता रहता है जिसमें कर की दरें, नीतिगत बदलाव और प्रशासनिक मुद्दे शामिल होते हैं। GST परिषद कर ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि ये देश के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप हो और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की है। ये प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला है जो लगातार जारी है। कुछ दिन पहले जो कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम वरिष्ठ थे उनके साथ वित्त मंत्री की मुलाकात हुई थी। जून महीने में रोजगार सृजन के मोर्चे पर अच्छी खबर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में मांग पड़ने से जून महीने में 18 सालों में सबसे तेज गति से रोजगार सृजन हुआ। HSBC के एक सर्वे के मुताबिक जून में भारत का कंपोजिट PMI 60.9 दर्ज किया गया जो मई महीने में 60.5 दर्ज किया गया था। आपको बताएं कि 50 से अधिक PMI अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और रोजगार सृजन को दिखाता है। लगातार 35 महीनों से भारत से परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कंपोजिट PMI के ये शुरुआती आंकड़े जिनमें बाद में बदलाव संभव है। सेवा क्षेत्र में भी मांग में तेजी बरकरार है। सर्वे में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी दर्ज की गई जबकि एक्सपोर्ट मांग में थोड़ी सुस्ती नजर आई है। मांग बढ़ने से कंपनियों पर नौकरी देने का दबाव बढ़ा है और रोजगार सृजन की रफ्तार 18 सालों में सबसे तेज नजर आई। S&P ग्लोबल हर महीने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में काम कर रही कंपनियों का सर्वे जारी करता है और दोनों सेक्टर के मिले जुले प्रदर्शन को कंपोजिट PMI इंडेक्स के तौर पर जारी किया जाता है। राजधानी दिल्ली में जल संकट की समस्या लगातार बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने पानी की किल्लत पर नाराजगी जताई है। यही टैंकर से आता है और भीड़ भक्कड़ में भरना पड़ता है। ये घर घर टोटी दे दे जैसे बिजली का है और भी टोटी लगा तो टेम्परेरी है, वो पीने वाला पानी है नहीं, उसी की जगह पर जो है सप्लाई का पानी दे देता, घर घर अपना आदमी आराम से भर लेता। पानी का गर्मी तो कभी गर्मी आएगा तो एक एक घर में 10-20 परिवार है तो पानी का तो कमी होगा, कितना आएगा तो सप्लाई नहीं है पानी यहाँ पर, टंकड़े से पानी आते हैं, सब टंकड़े से लूच करते हैं, सब पानी पीते हैं टंकड़े से। पानी समस्या जब से टैंकर चालू हुआ जब ही से हुआ, वैसे समर का हैंड पाइप का पीते थे, अब वो पानी पीला पड़ जाता है। बर्तन वर्तन की बाल्टी है ना वो खराब हो जाती हैं, तो जब से ये चालू हुआ है ना इसी से पीते हैं। खबर तमिलनाडु से जहाँ के कल्लाकुर्ती जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसमें अब तक 53 लोगों की मौत हुई, 141 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद से राज्य के स्टालिन सरकार की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गईं। विपक्षी दल मुख्यमंत्री स्टालिन से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर भाजपा आज राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। तमिलनाडु विधानसभा परिसर में कल्लाकुर्ती शराब त्रासदी पर AIADMK विधायकों ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। वहीं AIADMK ने प्रश्नकाल के दौरान शराब त्रासदी की चर्चा की मांग की है। स्पीकर ने अनुरोध ठुकराया और कहा कि वह शून्यकाल के दौरान समय देंगे। इसके बाद AIADMK ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।
उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए नई नीति जारी की। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए नई नीति जारी की है। नए आदेश के अनुसार चार एजेंसियों के जिम्मे परीक्षा। यूपी में भर्ती परीक्षा चार अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट रहेगी। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ओएमआर सीट के 3 सेट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास, दूसरी कॉपी कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। इतना ही नहीं, पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का भी प्रयोग करने का प्लान बनाया है। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे यूनिक बार कोड या QR कोड या फिर यूनिक सीरियल नंबर। इन कोड की मदद से जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी गोपनीयता बरती जाएगी। वहीं प्रिंटिंग प्रेस की 24/7 CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। प्रिंटिंग प्रेस में आने जाने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना पूरी तरीके से बैन होगा। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस को 24/7 सर्विलेंस पर रखा जाएगा। इसके अलावा CCTV के रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। योगी सरकार ने सेंटर चुनने की जिम्मेदारी अब सीधे DM को सौंप दी है। DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सेंटर का सिलेक्शन होगा। मतलब सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदारी DM की होगी। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। श्रेणी 1 राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। श्रेणी 2 अच्छी रेपुटेशन वाले स्कूल, जहां छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। योगी सरकार ने सेंटर सिलेक्शन की भी क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसके अनुसार एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर CCTV चालू अवस्था में होना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा के खत्म होने तक CCTV ऑन रहेगा। इसके लिए लाइट के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था भी की जाएगी। परीक्षा केंद्र के बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल होना अनिवार्य होगा। काम को अलग अलग बांटा गया है, ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल ना खेल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। बढ़ते आगे, स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत का आज अंतिम दिन। विभव कुमार को आज अदालत में पेश किया जा सकता है। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 14 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। विभव ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। अपनी जमानत याचिका में विभव कुमार ने कहा था कि उन्हें पहले ही अनुचित कारावास की सजा दी जा चुकी है। और अब बात बाबा बर्फानी की। आज श्री अमरनाथ जी की प्रथम पूजा की गई है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। मान्यता है कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं कर ली गई, सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े हैं। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। आज देव स्नान पूर्णिमा है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से 2 हफ्ते पहले देव स्नान किया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ के साथ ही बलभद्र जी, सुभद्रा जी और
सुदर्शन जी को विशेष स्नान करवाया जाता है। स्नान से पहले इन तीनों की भव्य और आकर्षक यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र स्नान किया। इस पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन स्नान दान करना सबसे फलदायी माना जाता है। साथ ही वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कल समापन हुआ। फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा के अलग अलग क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड 6A आकाश गंगा को मिला। इस फिल्म के निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल और निर्माता अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक निर्मल चंद्र डंडरियाल से खास बात की है हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा ने, आपको आइए सुनवाते हैं। 6A आकाश गंगा ये एक ऐसी कहानी है जिसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला है नेशनल कंपटीशन में। और हमारे साथ निर्मल चंदर हैं जो इसके डायरेक्टर हैं। निर्मल, सबसे पहले तो आप आपका इनिशियल रिएक्शन बताएं। मुंबई में, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है, साथ ही कहानी के बारे में दो लाइन बताएं। वेल, ऑब्वियसली अच्छा तो लगता ही है और इसलिए भी अच्छा लगता है कि बड़ा स्ट्रेंज था ये फिल्म बनाना, जो हमारे जिन पे फिल्म है अन्नपूर्णा देवी, रिनाउंड म्यूजिशियन एंड गुरु ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वो तो कभी नहीं चाहती हैं कि मेरे पे फिल्म बने। अब तो वो नहीं रही, बड़ी मुश्किलों से उनको एग्री कराया और उन्होंने बोला पर बनाओगे तो बिना डरे और सच बताना। अगर उन्हें पता, अब तो वो नहीं है, तो अगर उन्हें पता होता कि अवार्ड मिला है तो वो कभी लेने भी नहीं आती। उन्हें तो पद्म भूषण मिला, वो भी वो लेने नहीं गई। हमने घर में ढूंढा, वो भी नहीं मिला। सो इस तरह के तो इंसान थे। पर हमें ये अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट एक कहानी पूरे वर्ल्ड तक पहुँचे, लोग देखें, और स्पेशली जो म्यूजिशियन, विमेन म्यूजिशियन का जो रोल है, किसी भी जो उनके स्ट्रगल हैं और जो उनको मिलना चाहिए जिस तरह का ऑनर और रिकग्निशन, वो शायद अब थोड़ा है, पर पहले 30-40 ईयर्स की हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट कहानी है जो बनी है, लोगों को पसंद आई है और मिफ और जूरी को पसंद आई, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। मिफ के बारे में आप क्या कहेंगे, उसके बारे में आप दो शब्द बताएं। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिकग्निशन मिलती है मिफ में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज को समझना और एक तरीके से रिकग्निशन देना, तराशना, वो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे यहाँ पर अवार्ड जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? वेल, अगर हम शुरुआत से देखें 90 से जब मिफ शुरू हुआ तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था। दो साल में एक बार ही होता है, पर सारे जो यंग फिल्म, उस समय के जो फिल्म मेकर थे, उनके लिए ये मेका ऑफ सिनेमा था। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक फ्री फेस्टिवल रहे और ज़िंदा रहे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आई मीन, चाहे दो साल में एक बार ही होता है, पर गवर्नमेंट सपोर्ट, फ्री सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिनेमा को एग्जिस्ट करने के लिए, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे निर्मल चंदर, जिन्होंने बताया फिल्म की कहानी और साथ ही किस तरीके से मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उभरा है और इसे उस तरीके से, जिस तरीके से ये चला आ रहा है फ्री फॉर्म में, वो उस तरीके से बने रहना चाहिए। कैमरा पर्सन जगताप के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। बाद असम की, जहाँ के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या धाम में आज से महा अंबुबाची मेला शुरू हो गया। असम सरकार और कामाख्या मंदिर प्रबंधन समिति ने अंबुबाची मेले के लिए कई विशेष प्रबंध किए। ये मेला 26 जून तक चलेगा। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है। देश भर से लाखों भक्तगण इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। बात चीन की, जिसके दक्षिणी क्षेत्र के स्थित वांगडोंग प्रांत में भारी वर्षा की वजह से भीषण बाढ़ और भूस्खलन में 47 लोगों की मृत्यु हुई। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण की आपातकालीन कार्रवाई को सबसे गंभीर स्तर यानी लेवल 1 पर पहुंचा दिया। चीन में बाढ़ नियंत्रण की आपातकालीन व्यवस्था में 4 स्तर होते हैं। आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। मिझाऊ शहर में 10,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।
बात क्रिकेट की, T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर आज में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होना है। भारतीय टीम ने सुपर आज के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया था। दूसरी ओर बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल टीम इंडिया 2 अंक के साथ अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश की टीम टेबल में चौथे स्थान पर काबिज है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम की कोशिश अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपने 21 सदस्यीय टीम की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक में अब भारत की ओर से राइफल में 8, पिस्टल में 7 और शॉटगन में 6 सदस्य हिस्सा लेंगे। भारत की श्रेयसी सिंह को 21वां कोटा मिला। दरअसल महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई किया। श्रेयसी सिंह को पहले से प्रकाशित 20 नामों की सूची में जोड़ दिया गया है। बात मीराबाई चानू की, जिनकी नज़र ओलंपिक में अपना दूसरा पदक जीतने पर है। टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता का कहना है कि पेरिस ओलंपिक में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो खुद को चोट से मुक्त रखने और तकनीकी बारीकियों में सुधार करने में कितनी अच्छी तरह प्रबंधन कर पाती हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भार उत्तोलक मीराबाई की कोशिश अपने बेहतरीन प्रदर्शन को करते हुए दूसरा पदक जीतने पर होगी और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मीराबाई का स्नैच में कम से कम 90 किलोग्राम वजन उठाना जरूरी होगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।